हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल आशीष और मैं आपको बताने वाला हूं NATS के बारे में। NATS नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। फ्रेंड, इसके माध्यम से आप प्राइवेट सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार के किसी भी संस्थान में अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने देखा कि बहुत से छात्र ऐसे हैं जो इसमें रजिस्ट्रेशन तो कर लेते हैं लेकिन सेकेंड स्ट्रीम में करना क्या है उनको ये नहीं पता होता है, जिससे उनके ट्रेनिंग में काफ़ी लेट होता है और उनका काफ़ी समय लग जाता है, या तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इसको छोड़ देते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद। फ्रेंड, तो मैं इसके बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए, हम आपको बताते हैं कि इसमें अप्लाई करना है कैसे है। फ्रेंड, इसके लिए आप किसी भी ब्राउज़र में चले जाइए, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं कि क्रोम में जाकर दिखाते हैं। यहाँ आपको टाइप करना है NATS। NATS फ्रेंड्स, यहाँ आप इसको क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आप तीन लाइन दिख रही है, आप यहाँ क्लिक करिए और आप लॉगिन करिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो एप्लीकेशन फॉर्म का सेकेंड पार्ट है। जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन जब कराएंगे तो आपको एक यूजर आईडी मिलता है और जो आपने मोबाइल नंबर अप्लाई किया, ईमेल आईडी, उसमें से कोई भी आप डाल करके और उसमें जो आपके पास पासवर्ड है उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं मोबाइल नंबर डाल करके। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारे फ्रेंड्स का है और आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। लेकिन इसके बाद हमें जहाँ भी करना है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल के किसी भी संस्थान में आपको करना है, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के बाद अप्लाई कैसे करना है ज़्यादातर स्टूडेंट को पता नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स, तो आप आके देख सकते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ क्लिक कीजिए, फाइंड एस्टेब्लिश में क्लिक करिए और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको PDF अपलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा। हमारा सर्वर थोड़ा स्लो है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए इसमें साफ साफ नोटिस में लिखा गया है, इफ़ रिज्यूम नॉट अपलोडेड यू कैन नॉट अप्लाई फॉर एनी एस्टेब्लिशमेंट। यदि आप रिज्यूम अपलोड नहीं करेंगे तो आप कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रिज्यूम अपलोड करते हैं, इसके लिए हम जाते हैं। देखिए, अपलोड पे क्लिक किया, ये डॉक्यूमेंट्स हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, हम PDF अपलोड कर रहे हैं। जैसे ही PDF अपलोड जाएगा उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। देखिए खुल गया, अब आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जहाँ पे स्टार लगा है उसे कंपलसरी फिलअप करना है। फील्ड्स आर मैंडेटरी, मतलब आप उसे कंपलसरी फिलअप करिए, नहीं तो आपका फॉर्म आप आगे नहीं बढ़ेगा। आप एजुकेशन क्लिक करिए, देखिए आप ये डिप्लोमा और ग्रेजुएट, मतलब डिप्लोमा वाले, बीटेक वाले और डिप्लोमा वाले, दो लोग सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने डिप्लोमा कर, हमारे फ्रेंड्स ने डिप्लोमा कर रखा है तो हम इसके लिए डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे। अभी ब्रांच स्टडी है तो ब्रांच स्टडी है, इसके लिए हम ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, बहुत से ब्रांचेज हैं। आप हम यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट करते हैं, आप वहाँ से जाकर आपका जो भी ब्रांच है आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए सेक्टर सेलेक्ट करना है। सेक्टर फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आप, मान लीजिए चंडीगढ़ है, दिल्ली, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है, तो आप नॉर्थन रीजन सेलेक्ट करिए। आप अगर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं तो आप उसके लिए साउथर्न रीजन, अगर कोलकाता, बिहार, झारखंड, मणिपुर से हैं तो आप ईस्टर्न रीजन सेलेक्ट करिए, और नहीं तो अगर मुंबई से हैं, उस क्षेत्र से हैं, तो आप वेस्टर्न रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। चूँकि मैं, हम लोग
हम लोग यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग का रीजन सेलेक्ट करना है तो हम लोग नॉर्थन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें यूपी से हैं हम लोग। और यहाँ पर फ्रेंड्स ऊपर देखिए सेक्टर दिया गया है, सेक्टर सेक्टर का मतलब आप किस सेक्टर में अप्रेंटिस करना चाहते हैं, जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में, स्टेट गवर्नमेंट सेक्टर में या सेंट्रल में, इसके लिए आप रेफरेंस यहाँ पहले देंगे। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे बिजली विभाग ऑफिस में सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो जानते हैं आप लोग उत्तर प्रदेश में यूपीसीएल चलता है जो कि लिमिटेड है, वो एक प्राइवेट सेक्टर है, एक प्राइवेट सेक्टर है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ प्राइवेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नॉर्थन रीजन हो गया है, नॉर्थन में क्लिक करेंगे, जैसे स्टेट में देखिए चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये सब जो है नॉर्थन रीजन के क्षेत्र हैं। तो हम लोग उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश में फ्रेंड्स सबसे मोस्ट बात है डिस्ट्रिक्ट। मैक्सिमम स्टूडेंट गलती यहीं कर जाते हैं, जैसे कोई यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट वो सिलेक्ट वही करते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट से वो रहने वाले हैं, जो कि ये पूरी तरह से गलत है। डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये है, जैसे कि अगर बिजली विभाग है, अगर हमने प्राइवेट सेलेक्ट रेफरेंस दिया है, अगर हमें बिजली विभाग ऑफिस में अगर हमें अप्रेंटिस करना है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है 3311 में, तो फ्रेंड्स हमें ये देखना होगा डिस्ट्रीब्यूशन का हेड ऑफिस कहाँ है। जैसे पूर्वांचल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब विद्युत वितरण निगम, ये इसका हेड ऑफिस होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, ये हमारे यहाँ वाराणसी में है। तो हमें रेफरेंस देते समय यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में वाराणसी डालना है, न कि आप जहाँ के हों आप उसे सेलेक्ट ना करें, क्योंकि ऐसा सेलेक्ट करेंगे तो आप में कोई भी अप्रेंटिस के लिए कोई भी मतलब सीट दिखेगा ही नहीं आपको। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए हम लोग यहाँ पे बिजली विभाग में जाना है, तो चूंकि उसका ऑफिस जो है वाराणसी में है, पूर्वांचल डिस्ट्रीब्यूशन वितरण का, तो हम लोग वाराणसी सेलेक्ट करेंगे। अब फ्रेंड्स उसके बाद एक और बात, ये जो नीचे दो ऑप्शन दिए गए हैं इसको आपको छोड़ देना है, इसको आपको सेलेक्ट ही नहीं करना है। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट करने के लिए नहीं है, आप इसको दो ऑप्शन छोड़िए, आप डिस्ट्रिक्ट तक सेलेक्ट करिए, उसके बाद सर्च पे जाइए, सर्च करेंगे दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ओपन हो गया दूसरा पेज, और आप यहाँ देख सकते हैं कि वाराणसी सेलेक्ट करते ही वाराणसी में तीन चीज, तीन प्राइवेट सेक्टर की कंपनियाँ हैं, जैसे DLW डीजल लोकोमोटिव, आपने नाम सुना होगा वाराणसी का, काफ़ी फेमस है। तो देखिए DLW वहाँ पे है, भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, जो कि एक भी लिमिटेड कंपनी है, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये भी लिमिटेड कंपनी है जो कि प्राइवेट है। तो फ्रेंड्स हम इसमें अप्लाई करना चाहते हैं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में, आप जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे आप क्लिक करिए। आपने क्लिक जैसे करेंगे इसे अप्लाई करने के लिए, देखिए फ्रेंड्स अप्लाई का ऑप्शन आ गया है, आप सबसे पहले नीचे चले जाइए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट सीट है या नहीं है। देखिए हमारा चूँकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हमने सेलेक्ट किया है, इसमें देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ग्रेजुएट के लिए 16 सीटें हैं और टेक्निकल कोर्सेज मतलब डिप्लोमा वाले के लिए 416 पोस्ट हैं, तो हम इसमें अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स एक बात और हम आपको बता देते हैं, आप किसी भी संस्थान से करिए, चाहे वो सेंटर हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट संस्था हो, आप कहीं से भी करेंगे, इसके लिए भारत सरकार के अधीन ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत ये जो संस्थाएँ काम करती है NETS, तो इसमें आपको 3542 रुपये ही मिलेंगे, चाहे आप कहीं से भी करिए। देखिए यहाँ पे जो कि लिखा गया है साफ साफ, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वाराणसी 3542 रुपये, आपको 3542 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेंगे, 12 महीने की ये आपकी ट्रेनिंग होगी एक तरह से। और फ्रेंड्स इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस बात पर निर्भर करती है, क्योंकि आपने देखा होगा कई जगह पर ऐसे हैं जो PSCs के एग्जाम जब होते हैं तो उसमें आपको एक साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, उसके लिए टेक्निकल डिग्री जिनके पास है, डिप्लोमा बीटेक वालों के लिए, उनके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये, आप इसके एक साल के लीजिए और आने वाले एग्जाम में इसका पूरा लाभ लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स देख लीजिए आप 3542 रुपये है, इसके लिए हम लोग आज नीचे आते हैं, यहाँ देखिए लिखा है बैक अप्लाई कैंसिल, तो हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे, और जैसे फ्रेंड्स आप अप्लाई क्लिक करेंगे आपका ये अप्लाई हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे देख लीजिए दिया गया सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द ट्रेनिंग पोजीशन, फ्रेंड देखिए यहाँ पर अप्लाई हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे चल के आपको दिखाते हैं फिर से, आप देखिए यहाँ पे क्लिक किया, अभी हमने देखा था रिक्वेस्ट स्टेटस क्या था, 00 था, अब हम फिर से चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स अभी हम जब वीडियो स्टार्ट कर रहे थे उससे पहले यहाँ पे 00 था, अभी देखिए 1 हो गया अप्लाई, आप देखिए जिसमें हमने अप्लाई किया था पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में, देखिए 31 मार्च अभी हमने अप्लाई किया है, ये देखिए अप्लाई हो गया है। फ्रेंड्स इसी प्रकार से आप
आप अगर किसी और जगह पर करना चाहते हैं तो हम चूँकि एक और जगह करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं इस बार एक बार और आपको करके दिखा देते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं, अप्लाई करते हैं फिर से एक बार देखते हैं। फिर से उसी प्रकार जाइए, हमने डिप्लोमा सेलेक्ट किया, ब्रांच डिटेल सेलेक्ट करना है। फ्रेंड्स हमने ब्रांच सेलेक्ट किया, फिर प्राइवेट सेलेक्ट किया क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा हमें ट्रांसमिशन में भी करना है। फिर हमें रीजन जाना है, फिर नॉर्थन रीजन सेलेक्ट किया हमने। फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट में जाना है, वहाँ हमने वाराणसी लिया था, यहाँ लखनऊ लेंगे क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारा हम लोगों के ट्रांसमिशन का ट्रेनिंग का हेड ऑफिस है वो हम लोगों के यहाँ लखनऊ में है। तो हम लखनऊ यहाँ पे जाएंगे, लखनऊ में जाते ही लखनऊ सेलेक्ट करेंगे और लखनऊ जैसे सेलेक्ट करेंगे देखिए फ्रेंड्स सर्च पे जाएंगे, दो ऑप्शन नीचे छोड़ने थे, सर्च करेंगे, सर्च करते ही देखिए तुरंत आपका नेक्स्ट पेज खुलेगा और लखनऊ में जो जो भी ऑफिसेज हैं प्राइवेट लिमिटेड की सब खुल जाएंगे। देखिए उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड है, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, इंडिया स्पेशल्स है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से टाटा मोटर्स, इस तरह से जितने भी कंपनियां प्राइवेट्स के हैं सब लखनऊ में आपको दिख जाएंगी। क्योंकि हमें बिजली विभाग में अप्लाई करना है IPPCL में, तो हम देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जहाँ अप्लाई करेंगे वहाँ क्लिक करना आपको, आप क्लिक जैसे ही करेंगे फ्रेंड्स उसके बारे में आपको सब कुछ लिख देखिए आ जाएगा, आपको सेक्टर प्राइवेट है क्या है सब आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स जैसा हमने पहले भी मतलब अप्लाई करते समय देखा था, इसमें भी देखिए अप्लाई करते समय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 800 सीटें हैं डिप्लोमा वाले के लिए, 30 बीटेक वालों के लिए हैं। देखिए यहाँ पे है लखनऊ 3542 रुपये, इसमें भी है, कहीं से फ्रेंड्स करेंगे आप, आपको पैसे उतने ही हैं, एक गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। आप अप्लाई पे नीचे जाइए, अप्लाई पे क्लिक करिए, ये देखिए अप्लाई हो गया। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अप्लाई हो गया, अब चेक करना है आपको, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स अभी हमने अप्लाई किया था, स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था लेकिन धीरे धीरे देखिए दो जगह अप्लाई किया हमने, दोनों अप्लाई हो गया 31 मार्च तुरंत। फ्रेंड्स इस तरह से आप भी अप्लाई कर सकते हैं और आपको जो भी समस्या है आप उसे कमेंट में हमें बता सकते हैं, तो यहां से लॉग आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ न समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर आपका कोई सुझाव है तो उसे भी आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।